अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब होंगे ठीक। अल्लाह आप सबको और मुझे अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज की वीडियो है छोटी सी DIY। तो ये है मेरे पास कार पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा इससे कुछ बना लिया जाए। तो देखते हैं क्या बनता है। एक ये राउंड में है, सर्कल में, तो दूसरी भी मैं ऐसे बनानी हूँ ताकि इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए। और अजलान अजलान को खेलने की होती है ताकि मैं जाके खेलूं अपनी मर्जी से। सर्दियां है, उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, उसके भी पीछे पीछे जाना, उसे देखना पड़ता है कि वो कहीं पानी में ना चला जाए, मिट्टी में। मोहम्मद अजलान इधर आ जाओ। ये बहुत आराम से, क्योंकि तार है, तो ये देखें। अजलान इधर आ जाओ, इसको बहुत एहतियात से यहाँ पर, क्योंकि थोड़े थोड़े से इसके कोने रह जो जाते हैं वो लग भी सकते हैं हाथ पे। ये देखें, इससे ज़्यादा ये राउंड में नहीं हो सकती। तो देखें ये सिंपल में ही कितनी प्यारी लग रही है। तो इसको मैंने सोचा कि वेस्ट करने की बजाय कोई DIY बना लेते हैं। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद ये स्ट्रिप पड़ी थी मेरे पास, तो ये मैंने सोचा इस पे ये भी लगा देनी चाहिए। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बन गया है। यहाँ पे भी मैं वही स्ट्रिप्स लगा रही हूँ। आप अजलान कह रहा है मैंने भी लगानी है, आ जाओ आप भी लगा लो। तो ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से मैंने लगा लिए हैं और अब इनको काट देते हैं। इस तरह से, और अब इसकी शेप बन गई है ऐसे, ये देखें। और अब यहाँ पे सिंपल मैं इसी को ऐसे फोल्ड करके ऐसे लगा रही हूँ यहाँ पे। जो लोग वीडियो खुद बनाते हैं, एडिटिंग वगैरह सारा काम उसका खुद करते हैं, उनको पता होगा कि ये काम करना कितना मुश्किल है। और अजलान जितने या इससे थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अजलान को भी कंपनी चाहिए होती है। वो इधर कभी मेरी कोई चीज़ ख़राब कर देता है, कभी कोई चीज़ ख़राब कर देता है, या कभी ज़्यादा मुझे टाइम लग जाए यहाँ पे तो रोने लग जाता है। उसको भी टाइम देना होता है, और घर के सारे काम भी मैं खुद ही करती हूँ। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेहनत है, हर किसी ने करनी है, मैं भी कर रही हूँ। अल्लाह पाक देख रहे हैं और इंशाल्लाह ज़रूर इसका सिला देंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे फिर ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका 1 सेकंड ही लगता है, आपकी तरफ से ये प्यार होता है, ये अपना प्यार हमें देते रहें प्लीज़। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ये हौसला अफज़ाई होती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे वो अच्छी है और किसी काम आ रही है, किसी की हेल्प हो रही है, तो वो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं चाहती हूँ कि हर किसी का घर बहुत प्यारा लगे। उसके लिए लाजमी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप एक्सपेंसिव चीज़ें लें या यूज़ करें,
सिंपल चीज़ों से थोड़ी सी मेहनत करके भी आप अपने घर को बहुत प्यारा बना सकते हैं। तो ये देखें, ये बन गया। ये मेरे पास कब से पड़ी हुई थी फ्री में, तो मैंने सोचा इनको आज मैं काम लगा लूँ और इनसे कोई काम कर लूँ। तो आप इसको हैंग करते हैं दीवार पे, देखते हैं ये कैसा लगता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखें, ये सिंपल दीवार है, कुछ भी नहीं लगा इस पे, बिल्कुल खाली है, ये देखें। तो अब मैंने जो DIY बनाया वो मैं यहाँ पे लगाती हूँ, तो देखते हैं वो कैसा लगता है। क्योंकि दीवार पे थोड़ा सा भी कुछ बना दे तो बहुत प्यारी लगती है। ये देखिए आप, अब ये कितनी प्यारी लग रही है। इसी तरह थोड़ी सी एफर्ट करके थोड़ा सा अपने घर को प्यारा बनाइए। देखिए अब दीवार जो है वो बहुत प्यारी लग रही है। सिंपल सी चीज़ थी जिसने दीवार को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। तो आप भी ऐसी सिंपल चीज़ों को अपने घर में जो है वो वेस्ट ना करें, और ऐसे सिंपल ही चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट करें, घर को प्यारा बनाएं। चलें जी, नेक्स्ट मिलते हैं किसी और DIY के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।